का तौर पर आगाज करने वाली हूँ। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं वो प्लीज आगे तशरीफ ले आए। पहले आपको पता है हम मुसलमान होने के नाते अल्लाह सुबहानहु तआला के पाक और बाबरकत नाम से ये प्रोग्राम का आगाज करते हैं। रब्ते कलाम पाक से इस प्रोग्राम का हजीना शेरोदम इंटरनेशनल यूके के आज के प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करें। शुक्रिया। بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم मफहूम कुरानी आया करीमा ऐ नबी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया और पैदा किया इंसान को खून के जमे हुए एक गोश्त के लोथड़े से और पढ़ अपने उस रब के नाम से जो निहायत इकराम वाला है और वो जिसने इल्म सिखाया कलम के जरिया से और इंसान को वो इल्म सिखलाया जो वो नहीं जानता था। तमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाक के बाद हम्द व सना तो हर प्रोग्राम का भी है और हमारे मुसलमान होने के नाते हमारा ये दस्तूर रहा है। तो नाते रसूल मकबूल के लिए और हमदे बारी ताला के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम सरवर चिश्ती साकबी जी से कि वो हमदिया ऐ सलाम मुस्तफा से जा कहना गम के मारे सलाम कहते हैं ऐ सलाम मुस्तफा से जा कहना गम के मारे सलाम कहते हैं सब्ज़ गुंबद की उन बहारों को दिल हमारे सलाम कहते हैं आँख में मंजिल और तसव्वुर में आपका मिंबर सामने जानिया है रोजे की सामने दिया रोज़ा रसूल शान में आप आए मुकम्मल हुई ज़िंदगी आप आए ज़माना मुकम्मल हुआ आप आए मुकम्मल हुई ज़िंदगी आप आए ज़माना मुकम्मल हुआ
आपका जिक्र जब भी मुसलसल किया, आपका ये दीवाना मुकम्मल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सबको सबसे पहले मियां आमिर अली आपसे मुखातिब हूँ और हज़ीना शेर अदब के प्लेटफार्म के ऊपर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। और मैं सिर्फ दो अल्फाज में ये कह के बात को ख़त्म करूँगा कि जितनी खिदमत उर्दू अदब की और जितनी ज़्यादा नई नस्ल को अवेयरनेस जो है वो इस प्लेटफार्म के ऊपर मिल रही है, ये बड़ी खुशाइन बात है। और मैं बाकी तंजीमों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में भी वो उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं और अगर उन्हें हज़ीना शेर व अदब के साथ कोई अलायंस या कोई उनसे हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। एंड थैंक यू वेरी मच नुमाना कमल शेख साहब जो कि बाकी डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद नवाज़ गलियाना साहब, इनकी भी एक तंजीम है जिसकी कि मैं डायरेक्टर हूँ और ये हज़ीना शेर अदब के डायरेक्टर हैं, ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए इटली से तशरीफ़ लाए हैं, इनके लिए भरपूर तालियां। जी बहुत शुक्रिया, मैं हज़ीना इंटरनेशनल का डायरेक्टर हूँ इटली में, तो मुझे बहुत खुशी हुई आप सबको यहाँ देखकर और बड़ी अच्छी टीम है आपकी और हम इटली में आपके लिए जो उर्दू अदब की सरगर्मियाँ वो पूरी कर रहे हैं तो हमारे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे। हमारी एक छोटी सी 4-5 दोस्तों की टीम थी तो आज माशाल्लाह पूरे यूके और यूरोप में है, पूरी एक एक, एक टीम बन गई है और ये ग्रो हो रही है एवरी डे। और हम पिछले 2 साल में उतनी खिदमत अदब की नहीं कर सके जितनी कि हमें करनी चाहिए थी ड्यू टू कोरोना। इंशाल्लाह आप फ्रीक्वेंटली देखेंगे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम नेशनली और इंटरनेशनली होंगे, तो मैं इस सब के लिए आप सब की, चूंकि आप सब आते हैं हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो यही हमारी कुव्वत है, इसी की वजह से हम बेहतर प्रोग्राम कर सकते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मेहमानान का जो कि इंतहाई का स्कॉटलैंड, तो मैं यहाँ पर मेज़बान भी हूँ तो दोस्तों को वेलकम भी करता हूँ और इसके साथ बहन नगमाना जो उर्दू अदब के लिए काम कर रही हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारी तालियों में इनको खैर मकदम इनका करना चाहिए और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। सबसे पहले और तमाम मेहमाना ने ग्रामी को मेरी तरफ से खुश आमदीद। जी मेरा रोल इस तंजीम में हज़ीना शेर व अदब में एग्जीक्यूटिव मेंबर का है और मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जो रोल मुझे सौंपा गया मैं इंसाफ कर सकूं और मैं इसके लिए हज़ीना शेर व अदब की डायरेक्टर और चेयरमैन साहब इम्तियाज़ साहब उन दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने इनका काम देखा है और इल्म व अदब की जो खिदमत ये सर अंजाम दे रही है यहाँ गैर मुल्क में रह के, मेरा नहीं ख्याल कोई भी यूके में कोई इस तरह की और तंजीम होगी। तो जैसे मेरा ताल्लुक इटली में भी काफ़ी तंजीमों के साथ रहा है तो मुझे खुशी है कि मैं हज़ीना शेर व अदब की एक मेंबर हूँ, उनसे मुस्लिम हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने रोल से इंसाफ करने की कोशिश करूँगा। मैं हज़ीना शेर व अदब की तरफ से तमाम मेम्बरान की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और जो मेहमान खसूसी आए हैं, जो दूसरे मेहमान बहुत दूर दूर से आए हैं, उन सबको वेलकम करती हूँ और नगमाना जी की बहुत ज़्यादा दिल से मैं इज़्ज़त करती हूँ, प्यार करती हूँ और इन्होंने मुझे इस टीम में इसका हिस्सा बनाया और इंशाल्लाह इनके साथ आगे चलेंगे और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा है कि वो उर्दू सीखें, पढ़ें और समझें क्योंकि ये अपने मुल्क पाकिस्तान को प्रेजेंट करती हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच। मेरी टीम का मेंबर कोई रह गया, आपको पता मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, सबसे ज़्यादा प्रेशर मुझे, सबसे पुरानी मैं हूँ आपकी मेंबर जिसका आपने जिक्र नहीं किया। ये बात सुने ना, आपका आपका तो जिक्र किताबों में होना है। आपके जमाने का मैं भी हूँ। आपका जिक्र तो सबसे पहले हमारी तारीफ रकम करने वाली, हमारा सर बुलंद करने वाली
शहीना हारून जी जो कि लॉर्ड मेयर हैं, से मैं इस्तेदा करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अल्फाज का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मेरे तमाम मोज़ज़ नहायत ही इज़्ज़तुल क़दर बहन भाइयों को बहुत बहुत अस्सलाम अलैकुम। तो आज बेनतहा खुशी है कि नगमाना जी ने जिस तरह और इनकी टीम ने मुझे रिस्पेक्ट दिया है, फोर्स किया है कि आपने लाजमी आना, और मैं अपने मैनचेस्टर के प्यार के आगे मजबूर हो जाती हूँ, चाहे कितनी भी मेरी मजबूरियाँ हों उसके बावजूद भी मैं कुछ प्रोग्राम करके आई हूँ। अभी दूसरा और करना था, बीच में ये आ गया, अब तीसरे के लिए और चौथे के, मैं बहुत कमिटेड हूँ, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मैनचेस्टर के प्यार के लिए। तो इसका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँगा मैं, और जो आपकी नगमाना जी आपकी कोशिश है, आपकी टीम जितना आपके साथ साथ दे रही है, और इस तरह की जो कामयाबी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, ये नहायत ही काबिल स्तायश है, और इसके लिए मैं आपको जितना भी अप्रिशिएट करूं वो कम है। तो यास्मीन डारजी, यकीन करें ये इतनी हम्बल है, मैं इनके साथ ट्रैवल कर चुकी हूँ, डिप्टी मेयर जो हैं और मुस्तकबिल की लॉर्ड मेयर, और मेरी बहुत प्यारी दोस्त, मेरे हर प्रोग्राम में कोशिश करती हैं कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, पीस एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। माशाल्लाह नगमाना जी, इतनी खुशी हुई ना अच्छी भी है, और माय उर्दू इतनी वो अच्छी नहीं है जैसे हम सब लोगों की, जो टैलेंटेड स्किल्स और यू नो ऑनरेबल गेस्ट जो इधर आए हुए हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी यू ऑल। लेकिन मेरे अबू जो थे उनको बहुत ज़्यादा शौकीन था इन पोइट्री इन अल्लामा इकबाल साहब की, उन्होंने काफ़ी कोशिश की हम बच्चों को भी थोड़ा सा इस तरफ लाएँ, एंड वी हैव ट्राइड अ लिटिल बिट, लेकिन इतना वो नहीं है। लेकिन इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि ये जो खूबसूरत ज़बान है हमारी, हम इसको ज़िंदा रखें, और लाइक नगमाना जी सैद अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, आगे ले के आएँ इसकी खूबसूरती, जब हम बोलते हैं सुनते हैं, और वी हेयर द पोएट्री इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन जो पहले जो कलम माय डैड टॉट मी वाज अल्लामा इकबाल साहब की थी, एंड इट वाज की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहे कलम हम तेरे हैं। बड़ी खुशी से ऐसे फंक्शन में तशरीफ़ लाती हैं और हमारी हौसला अफजाई करती हैं। सबसे बड़ी खुशी ये है कि खतून हैं और हमें इन पर फ़ख्र है, अल्लाह ताला इनकी इज्जतों में और इजाफा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हज़रात, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सारे हैरियत से होंगी, और आपके चेहरों से लग रहा है कि आप इस तकरीब को इंजॉय कर रहे हैं। खवातीनो हज़रात, सबसे पहले तो मैं बानी और सदर खजीना शेर व अदब नगमाना कंवल शेख साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस पुरवकार तकरीब में मुझे शिरकत करने की दावत दी। और यकीनन ये खजीना शेर व अदब की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने आज इंटरनेशनल मुशायरा मुनक़िद किया, और ना सिर्फ यू के बल्कि पूरी दुनिया से शुरा को मदऊ किया है, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं भी इस तकरीब का एक हिस्सा हूँ। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा वक्त आपका इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरे बाकी जो डिस्टिंग्विश स्पीकर्स हैं और आप जो शुरा हजरात हैं, हम उनके कलाम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शायद आपको कुछ लोगों के लिए ये नई खबर होगी कि खजीना शेर व अदब का जो सबसे पहला मुशायरा कौंसलेट जनरल के ऑफिस में हुआ, वो खजीना शेर व अदब का मुशायरा हुआ पिछले साल। माशाल्लाह ये इज्जत हमें बख्शी गई, और हम इसके लिए भाई आबद ने आगे कहा था, इस शहर में 200 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, और अगर आप भी अगले साल जो सेंसस निकलेगा जो 2021 में हुआ था, उसमें लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पाकिस्तानी जो आबादी है और ख़ासतर हमारे नौजवान हैं, इनमें काफ़ी जो है ना इसमें तादाद है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप जैसी तंजीमें ये जो हैं ये उर्दू की ज़बान को ज़िंदा रखें। बिल्कुल इंग्लिश ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है, हमें यहाँ हमारे बच्चों को चाहिए कि इस सोसाइटी में हिस्सा लेना, लेकिन अपनी ज़बान उर्दू बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस कौम ने ज़बान भूल गई वो कौम ज़िंदा नहीं है। और हमें यहाँ चाहिए, ख़ास और मैनचेस्टर का हमारा यही तो है कि जो भी कम्युनिटी बाहर से आती है,
हम उनको जो उनका कल्चर है, ज़बान है, उनका लिबास है, उनका खाना पीना है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं। सो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस तंजीम को जो हमारी उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखते हैं, और आगे भी जहाँ बहो इंशाल्लाह हमारा और सिटी काउंसिल की तरफ से पूरा आपका सपोर्ट होगा। जज़ाकल्लाह। माफ़ कीजिएगा, मैं 47 ईयर से मैं प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग का, तो मैं बाज़ वक्त ऑडियंस को अपने तालिबे इल्म की तरह ट्रीट करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसके बारे में। मैंने ये आपसे कहना है कि ये प्रोग्राम जो बुक इंट्रोडक्शन का है राइटर्स का, ये दो हिस्सों में होगा। इनकी शायरी से, नवाना जी की शायरी से इतने मुतासिर हैं कि हमने अपना एक प्रोजेक्ट इनके बारे में किया है, तो जो चौथी बारी होगी मेरी खुद की होगी, मैं उसमें आपको उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि हमने क्या किया है उनकी शायरी से मुतासिर होकर। डॉक्टर हसन बेग ENT, बड़े मारूफ, पूरी दुनिया में मारूफ ये डॉक्टर हैं, ENT सर्जन हैं। इनकी किताब का होगा तारिफ मीर साहब और नुगमाना साहब का, ब्रांड साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया। जैसा कि तारिक मुनीर साहब ने अर्ज़ किया, मेरा जो मैदान है वो तहकीकी है, और फर्क ये है कि ज़्यादातर जो किताबें आज यहाँ जिनकी रुनमाई होगी वो नज़म पर हैं, मेरी जो किताब है वो नसर पर है। और इसकी जो खसूसियत है वो एक ये है कि है तो ये एक किताब, और उसका नाम है उर्दू का सेक्शन है उसका, उसका नाम है सदा बसेरा, और इंग्लिश का सेक्शन है उसका नाम है क्राई ऑफ वाइल्डनेस। तो इस तरह दोनों किस्म के मजामीन हैं जो कि मैंने पिछले 40 साल में लिखे और उनको जमा किया गया है। मुख्तसरन तारुफ जो है चंद एक मजामीन का मैं कराता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो मजामीन हैं वो मेरे अपने लिखे हुए हैं, शॉर्ट हैं, पढ़ने काबिल हैं। ये जो थोड़े इंट्रोडक्शन मैंने आपको किया, इसका सुनने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इश्तियाक जुबैरी ये सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट है गाजू के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, और इनका बहुत आर्टिकल कैंसर से मुतालिक छपते रहते हैं, क्योंकि ये सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, इनका काम यही है, रिसर्चर है, मगर ये उर्दू के इनकी जान है। ये कराची से इनका ओरिजिनल ताल्लुक है मगर अभी ग्लासगो में रहते हैं। इन्होंने एक बड़ा उम्दा जरीदा शुरू किया उर्दू का, और आप सबको इनविटेशन है, अगर आप चाहते हैं उसमें भेज सकते हैं आर्टिकल पब्लिश होने के लिए। तो ये पूरा जरीदा खुद मुरतब करते हैं, और वो जो है प्रिंट लिमिटेड इंट्रोड्यूस किया मुझे। मैं कोई माहिर कलाम नहीं हूँ, लेकिन मुझे दिलचस्पी है शेर व अदब से, और मेरी कोशिश ये है कि सामने आए प्रोफेशनल लोग सामने आए, आपका जिस शोबे से भी ताल्लुक़ है आप मुझसे रابطہ करें, उसके बारे में आप आर्टिकल्स लिखें। अभी तक हमारे सिर्फ दो शुमारे शाया हो चुके हैं जिसमें डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ मजामीन के बारे में अपने आर्टिकल्स लिखकर मुझे भेजे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं मोहतरमा नगमाना कंवल शेख साहबा और इम्तियाज़ अली शेख साहब और खजीना शेर अदब की सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त दी और हमारी किताबों की यहाँ पर रूनमाई करवाई। ये बरतानिया का अहम शहर है और इसमें हमारी रूनमाई करवाई। मेरी किताब ये पहला मजमूआ कलाम है, और अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए। इसमें मैं भी सीखने के अमल से गुजर रहा हूँ। नाम बता दीजिए। इसका नाम है आसमान के उस पार। हमने एनालिसिस के तौर पे एक 50 पेज की बुकलेट तैयार की, तो उसमें पाँच छः राइटर्स हैं जो अभी आपको देखा आपने, उन्होंने इनके किताब की एनालिसिस की है। तो ये बिल्कुल नया किस्म का प्रोजेक्ट है। इसका मैंने टाइटल दिया नगमाए नगमाना, और यहाँ लिखा है
अदबी डेरा एडिनबरा और बज़्म में उर्दू स्कॉटलैंड की पेशकश, इंग्लिस्तान की माए नाज अदीबा और शायरा नगमाना कवल शेर की किताब कुछ अधूरा है अभी का इल्मी तज़िया।